बढ़ते चले। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हाथी और खरगोश की कहानी सुनाऊंगी। एक बार खरगोशों का समुदाय एक झील के किनारे की नरम मिट्टी में बिल बना के रहने लगा। एक दिन हाथियों का एक झुंड वहां आया। झील को देखकर हाथी बहुत खुश हुए और उन्होंने झील के किनारे पानी में खूब मस्ती की। दुर्भाग्य से अपनी इस मस्ती में उन्होंने अनजाने में कई खरगोशों को अपने पैर के नीचे कुचल दिया। बाकी खरगोश अपनी जान बचाकर भागे। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए। एक खरगोश बोला, हमें तुरंत इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। खरगोशों के राजा ने अपनी असहमति जताई और कहा, इस जगह की खोज हमने पहले की है, बिना कोई कोशिश किए हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मेरे पास हाथियों को भगाने के लिए एक उपाय है। अगली रात जब हाथी आए तो खरगोश झील के किनारे एक चट्टान पर चढ़ गया और जोर से चिल्लाने लगा, धूर्त राजा रुको, यह झील इंद्र देवता की संपत्ति है। वह तुमसे बहुत नाराज हैं क्योंकि तुमने कल कई खरगोशों को घायल किया है। कितने खरगोशों को तो तुमने अपने पैरों के नीचे कुचल डाला। मैं भगवान चंद्र का दूत हूँ, उन्होंने तुम्हारे झुंड को यहाँ आने से प्रतिबंधित किया है। हाथियों के राजा ने कहा, अगर सच में तुम भगवान के दूत हो तो तुम्हें जरूर पता होगा चंद्रदेव कहाँ हैं। खरगोश हाथियों के राजा को झील के एक कोने में ले गया और पानी में चांद की परछाई दिखाकर बोला, वह स्वयं यहाँ आए हैं ताकि वह मृतकों के परिवार को संतावना दे सके। हाथियों के राजा ने चांद की परछाई का अभिवादन किया और अपने झुंड को लेकर वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मुसीबत का सामना सूझबूझ से करना चाहिए। थैंक यू।